हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 24/7। मैं हूं आयुषी मैम, योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री। और आज है रक्षाबंधन। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। तो भाई रक्षाबंधन तो है, देखो आई नो फेस्टिवल है, बट थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना तो बनता है, ठीक है? तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि हम जो सेशंस लेने वाले हैं आज और कल के लिए, वो होने वाले हैं आप लोग के क्वेश्चंस जो आपके अभी तक पेपर में आए हैं, राइट? सो हम लोग बहुत ही प्लान वे में कर रहे हैं। मॉक्स तो हम लोग कर ही रहे हैं, वो तो चलते ही रहेंगे, बट मॉक से पहले जरूरी एक बार पेपर देख लेना। तो जितने क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों तक पहुंचे हैं और जो भी हम लोग के अभी तक की एनालिसिस में क्वेश्चंस निकल कर आए हैं, वो हम लोग आज और कल दो हिस्सों में करने वाले हैं। जल्दी से एक बार सभी के सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। यहाँ पे मुझे येलो हार्ट्स दिखने चाहिए इन द चैट बॉक्स, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक नोटिफिकेशन हमारी जो पहुंच सके। और सभी लोग साथ में मिलके, यार जब फेस्टिवल मनाते हैं तो साथ में मिलके पढ़ाई भी कर लेंगे। तो सभी के सभी आ जाएंगे एक बार, जल्दी से सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। जिनका भी पेपर है या जिनका पेपर हो चुका है उनको भी बुला लो यार, साथ में बैठ के बातें बातें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो सबको जल्दी से एक बार शेयर कर दो और फिर हम यहाँ पे आपके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आज और कल बैक टू बैक हर एक चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आगे वाले दिनों में हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट फिर से, जिसमें हम लोग करने वाले होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो पूरा प्लान सेट है आप लोग के एग्जाम के फेज टू को एंड करने के लिए। उसके बाद फेज थ्री शुरू होगा, क्या करें, अब लंबा खिंच गया है तो लंबा पढ़ना भी पड़ेगा। पर हम तो है ना आप लोग के लिए 24/7, तो इसलिए हम लोग 24/7 क्वेश्चंस भी करेंगे। और जैसे कि अभी तक भी आप लोगों ने एनालिसिस देखा है, पूरा का पूरा पेपर हमारा आया हुआ है, जो क्वेश्चंस हमने यूट्यूब पे करे हैं। तो आप सभी लोग के लिए ये सेशन और जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? तो जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक शेयर कर दो, जल्दी से सारे के सारे। और मेरे को चैट बॉक्स में येलो हार्ट्स मिलने चाहिए। और आज का सिलसिला कुछ ऐसा होने वाला है कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो हमारे पेपर में आए हुए हैं, राइट? इंपॉर्टेंट इसलिए जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में, उनको हम लोग स्पेसिफिकली आज और कल करने वाले हैं। तो इसमें भी आप लोग मुझे यही डालोगे, जिसके क्वेश्चन सही होगा वो प्लस फाइव डालेगा, तो आपको देखने को मिलेगा। पता है क्या फायदा है यहां से, जब सेशन एंड होगा तो आप देखोगे कि यार ये क्वेश्चंस पेपर में आए हैं और इन क्वेश्चंस में से मैंने कितने करेक्ट करे हैं। आज हमारा थोड़ा सा फेस्टिवल है तो थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, आज थोड़े से कम क्वेश्चंस करेंगे, कल और भी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो 30-40 क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस में से आप कितने करेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको दिख जाएगा ना, अगर आप 30 या 40 क्वेश्चन में से 40 सही कर गए हो तो मतलब समझ लो आपका पेपर भी ऐसे ही इतना अच्छा जाने वाला है जैसे और बच्चों का गया है, राइट? और अगर थोड़ा सा कम आया है स्कोर, वैसे तो कम नहीं आएगा क्योंकि पेपर बहुत ईजी आया हुआ है अभी तक का, तो कम आया तो आप लोग को समझ में आ जाएगा यार मुझे कौन से चैप्टर पर काम करना है, क्योंकि यहाँ पे पेपर में ये वाले क्वेश्चन आए हैं और मेरे यहाँ पे गलतियां निकल रही है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, एक प्रॉपर मॉक में इसको बोलूंगी, क्योंकि एक्चुअल में वही क्वेश्चन है जो पेपर में हमारे देखने को मिले हैं, ठीक है? जल्दी से एक बार सभी के सभी सेशन को लाइक शेयर कर दो और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपका आज का ये धमाकेदार सेशन, राइट? ऑलराइट, ऑल्सो मैं बच्चों आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन तो बोल ही चुकी हूँ, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और जिस भी बच्चे का पेपर 17 या उसके बाद है और वो प्रॉपर रिविजन चाहता है, वैसे तो यूट्यूब पे चलता ही रहेगा, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ चैप्टर वाइज चाहिए या प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो रक्षाबंधन की वजह से आप लोग का जो रैपिड रिवीजन बैच है उसके प्राइस डाउन कर दिए गए। आप सभी लोगों को पता है 1199 का जो प्राइस था उसको आप लोगों का 599 कर दिया गया, और अगर आप वाईफाई 13 के ऊपर कोड यूज करते हो तो ये और भी कम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 400 प्लस के आसपास का आपका ये बैच मिल जाएगा आप लोग को। तो अगर आप लोगों ने इनरोल करना है, अगर आपको इसकी जरूरत है और अगर आप लोग को लगता है कि मेरे को प्रॉपर रिवीजन चाहिए, तो आप लोग इस बैच में आज इनरोल कर सकते हैं, रक्षाबंधन की वजह से इस पे सेल है, राइट बच्चों? चलो तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी ये जो हमारा सेशन है ये दो पार्ट्स में होने वाला है, पार्ट वन और पार्ट टू। आज कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं एक बार जरा आप लोग नजर मार लीजिए। आज हम लोग पहले सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस करेंगे, फिर सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, फिर काइनेटिक्स के, फिर सरफेस केमिस्ट्री के, और फिर आपके मेटलर्जी के। तो आज का सिलसिला कुछ ऐसा है कि इन 6 चैप्टर्स में से आपके जो जो क्वेश्चंस पेपर में आए हैं अभी तक, जो हमारे तक पहुंचे हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग आज यही इसी वक्त करने वाले हैं। और पार्ट टू, क्योंकि कल हम लोग का त्यौहार खत्म हो जाएगा, आप लोग फ्री हो जाओगे, तो कल हम फिर करेंगे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक,
कोऑर्डिनेशन, हेलोएल्केन्स, एल्कोहल और एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, अमाइन, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और योर पॉलीमर, राइट। ये हमारे सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोग कल करेंगे, राइट। सो आज और कल का सेशन फुल ऑन बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। जल्दी से मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग रेडी हो मेरे साथ यहाँ क्वेश्चन करने के लिए या नहीं। रेडी हो तो जल्दी से येलो हार्ट्स और येस मैम वी आर रेडी, एनर्जी चाहिए मेरे को सेशन के लिए, क्योंकि यार क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अच्छे इसलिए क्योंकि पेपर में आए हैं और आपको यहाँ से ट्रू एनालिसिस मिलने वाला है कि अगर आप पेपर देकर आ चुके होते तो आप कितना स्कोर कर रहे होते। तो आपको मैं एक स्टेप आगे उन बच्चों से लेके जा रही हूँ जिनका पेपर हो चुका है, आपको ऑलरेडी मैं वहां पहुंचाने वाली हूँ। अब आप लोगों को परफॉर्म करना है और मुझे बताना है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, प्लस 5 करेक्ट आंसर के लिए, माइनस 1 गलत आंसर के लिए और 0 आपके नॉट अटेम्प्टेड के लिए, राइट बच्चों। जल्दी से एक बार सभी के सभी सेशन को लाइक शेयर कर दो जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि मैं यहाँ पे आपका जो सेशन है इसको स्टार्ट कर दूं। येलो हार्ट्स बरसाने चाहिए मुझे यहाँ चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, आई होप आप लोग रेडी हो। पहला क्वेश्चन मस्त तरीके से पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, राइट। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों जल्दी से और टाइमर के साथ ही क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहला क्वेश्चन। ऑलराइट, सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। टाइमर बुलाया जाएगा, टाइमर हमारे साथ रहेगा, टाइमर के साथ क्वेश्चन करने हैं। ऑलराइट, टाइम आपका लगा दिया गया है यहाँ पे। ये सबसे पहला क्वेश्चन, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन, द मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ डायमंड, सिलिकॉन एंड क्वार्ट्ज इज। मैंने बोला था मॉलिक्यूलर सॉलिड से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो जितने भी क्वेश्चन मेरे पास है वो मैं आपको सारे यहाँ करवाने वाली हूँ। बताइए अगर ये क्वेश्चन है तो आपको बताना है व्हाट इज द मेजर बाइंडिंग फोर्स बिटवीन दीज गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे। व्हाट इज going to be your correct answer over here bachcho, bolo। yes, correct option kya hoga, jaldi se 5 second aur, come on, what is the correct option? yes, what is the correct option? bilkul correct ho aap log, aap sabhi log ko dekho ye sim, ab aap bologe mam simple hai but paper mein yahi aaya। so kya hai, tino ke tino kya hai, covalent solid hote hain ya network solid hote hain aur inke beech ki force of interaction ko kya bola jata hai, कोवलेंट बॉन्ड फोर्सेस बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड फोर्सेस बोल दिया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर है, प्लस फाइव वाले जल्दी से मेरे को प्लस फाइव माइनस वन जीरो चैट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए, ताकि हम लोग एक प्रॉपर स्कोर आप लोगों को दे सकें कि अगर आप पेपर देकर आते तो आपका कितना नंबर आता, कहाँ पे नंबर कटता और कहाँ पे आप लोग गलती करते, ठीक है। वो गलतियां आपको यहाँ पे नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल देखेंगे क्या आया था। कुछ ऐसा सवाल आपके पेपर में आया था कि जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स है उनको हेल्ड किया जाता है क्रिस्टल में बाय विच टाइप ऑफ फोर्सेस, कौन से टाइप के फोर्सेस पाए जाते हैं आयोडीन के मॉलिक्यूल के क्रिस्टल्स के बीच में। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से सभी के सभी आंसर करेंगे। व्हाट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर ओवर हियर, जल्दी से बच्चों, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जल्दी से, सबसे क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन से नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कौन से टाइप की इंटरेक्शन पाई जाती है, सबसे वीकेस्ट में आपको हिंट भी दे दिया है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बोलो। यस, सभी लोगों को पता है क्या होती है बच्चों, लंदन फोर्सेस। क्या होती है, लंदन फोर्सेस होता है, बिल्कुल करेक्ट है। लंदन फोर्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे आप इसको, डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोल सकते हैं, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। समझ गए सभी लोग। ऐसे क्वेश्चन आए हैं पेपर में बच्चों, मानो मैंने बोला है मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्वेश्चन आए, तो ये सेम क्वेश्चन, और ये पहले भी मैं करवा चुकी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करवाए, तो देख लो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस के बाद स्कोर लेते हैं आप लोग का क्या स्कोर रहता है। अगला सवाल, ओके, सो डेंसिटी से एक न्यूमेरिकल आया था, एक एलिमेंट है, देखो कितना सिंपल है, आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, एज लेंथ दिया हुआ है, डेंसिटी बताना है। बताइए क्या आप लोग की डेंसिटी यहां से निकलकर आ जाएगी, बताइए क्या आएगी डेंसिटी, बोलो बोलो बोलो। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मूला देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला सभी लोगों को पता है, डेंसिटी क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। बीसीसी है तो ये 2 हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 100 दे रखा है, एन ए कितना है 6.02, 2 इंटू 10 की पावर 23, और ए क्यूब आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब आप लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से 400 पिकोमीटर है, तो 400 इंटू 10 की पावर माइनस 10, सो 400 इंटू 10 की पावर माइनस 10 का होल क्यूब। सॉल्व करिए और बताइए क्या यहाँ से आप लोग की डेंसिटी बच्चों निकलकर आ जाएगी। जल्दी से सभी के सभी आंसर फाइनल डालेंगे चैट बॉक्स में, क्या फाइनल आंसर आप लोगों का निकल के आ रहा है बच्चों, बोलो बोलो बोलो।
सभी के सभी आंसर देंगे 200 डिवाइडेड बाय 6.022 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 400 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 400 क्या है 5.18 समथिंग. सो ऑप्शन यस क्या हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी मेरा प्लस फाइव नंबर दे जाएगा. क्या दे जाएगा ऑप्शन नंबर बी. समझ गए. तो मतलब देखो अगर न्यूमेरिकल्स की भी बात करूं कम न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स इजी आ रहे हैं. लाइक आप लोग के अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो. ठीक है बच्चों यार जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करो. जिसने लाइक नहीं करा एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए. राइट चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल देखो सॉलिड स्टेट से कैसा आया था. मैंने बोला है डिफेक्ट से क्वेश्चन आए हैं तो डिफेक्ट से एक क्वेश्चन आपके सामने है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सेंस नहीं बनाती. जैसे आप लोग कुछ बातें बोलते हो चैट बॉक्स में वो सेंस नहीं बनाती है. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो सेंस नहीं बनाता है. वो जो हमारे पांडा पांडाज वाली बात है वो सेंस नहीं बनाती है. तो ऐसे यहाँ पे भी कुछ है तो बताइए क्या होगा कौन सेंस नहीं बना रहा. जल्दी से बताएंगे क्या आप लोगों की कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सेंस नहीं बना रही होगी. बोलो डिफेक्ट की बात कर रहा है बताइए. बोलो फास्ट. अरे यार टाइमर लगाना भूल गए. चलो मैं 10 तक काउंट करती हूँ. 10 तक आज तक वाला नहीं है ये नॉर्मल 10 तक काउंटिंग चल रही है. चलो चल रही थी तो मुझे पता ही नहीं था. ऑल राइट तो भाई डिफेक्ट की बात कर रहा है. फ्रेंकल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन एल्किली मेटल हैलाइड्स. अच्छा स्कॉटकी डिफेक्ट इज वेरी कॉमन. हाँ भाई ये बात ट्रू है. स्कॉटकी डिफेक्ट लोअर करती है डेंसिटी को. ट्रू है. फ्रेंकल डिफेक्ट लोअर करती है. देखो ये स्टेटमेंट आप बोलोगे मैम डाउट हो सकता है बट फिर भी अगर आपको ऑब्जेक्ट को आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है तो सबको पता है फ्रेंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी है वो हमेशा सेम रहती है. सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी. ये आपकी ऑप्शन गलत है. सो कौन सी स्टेटमेंट सेंस नहीं बनाती. ऑप्शन नंबर डी आपका सेंस नहीं बनाता. सो करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या आ जाएगा. ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा बच्चे. ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा. समझ गए. तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है फॉर योर सॉलिड स्टेट. आगे बढ़ते हैं सॉलिड स्टेट के ऊपर. और क्या क्वेश्चन आया है सॉलिड स्टेट से कुछ ऐसा. ये क्वेश्चन तो यार कल भी आया है परसों भी आया है पेपर में कुछ ऐसा. एक कंपाउंड है जो एलिमेंट ए और बी से बन रहा है जिसमें ए आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जहां पे ए आपका कॉर्नर पे है और बी आपका बॉडी सेंटर पे है. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कल भी आपको मैंने एक क्वेश्चन ऐसे करवाया था एनालिसिस में. बताइए क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा यहाँ पे. क्या बच्चों फॉर्मूला निकल के आएगा. जल्दी से सभी के सभी आंसर करेंगे. क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा. बोलो फास्ट. प्लस फाइव माइनस वन जीरो. लास्ट क्वेश्चन के लिए आंसर चाहिए मेरे को चैट बॉक्स में. एवरीवन क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पे. क्या होगा बच्चों भाई आप लोगों को बोला है उसने ए का है कॉर्नर पे है आठ कॉर्नर है कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 का है तो ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. बी का है बॉडी सेंटर पे कंप्लीट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. सो A1B1 हो जाएगा और A1B1 क्या होगा ऑप्शन नंबर ए. सो देख लो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं. ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से करेक्ट आ जाएगा. क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा. समझ गए क्लियर है. ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर में हमारे को लगातार 2 बार पूछा गया है अभी तक. सॉलिड स्टेट से मॉलिक्यूलर सॉलिड से क्वेश्चन आया है आप लोगों का ये जो डिफेक्ट है इससे क्वेश्चन आया और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्वेश्चन आया. तो ये क्वेश्चन आपके अभी तक पेपर में आए हैं. चलो देखते हैं अगला सवाल क्या है. अगला सवाल भी देखेंगे जल्दी से. अगला सवाल है द वैल्यू ऑफ हेनरीज कॉन्स्टेंट केएच. हेनरीज कॉन्स्टेंट का रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आया सोल्यूशन चैप्टर से. बताइए क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आएगा. बोलो बताइए. हाँ भाई क्या होगा करेक्ट ऑप्शन. ये क्वेश्चन पता है कहाँ से लिंक्ड है. कहीं ना कहीं आप इसको लिंक कर सकते हो. वो एक्वेटिक स्पीशीज वाला क्वेश्चन आता है ना कि ठंडे पानी में क्यों रहती हैं. क्योंकि ठंडे पानी में क्या होता है सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है. क्यों सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है. टेम्परेचर कम होता है. मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है. ठीक है बात ये बात है. और सॉल्युबिलिटी कम होने से
KH बढ़ता है तो टेम्परेचर और KH एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो ये इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ. सेम क्वेश्चन पेपर में आया था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर हेनरीज कॉन्स्टेंट एंड योर टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने से आपका हेनरीज कॉन्स्टेंट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी घटेगी. इसलिए आपकी जो फिशेज होती है, एक्वेटिक स्पीशीज होती है, वो बच्चों आपके ठंडे पानी में रहना पसंद करती है जिसका टेम्परेचर कम है, यानी कि उसको ठंडे ठंडे पानी से नहाना पसंद है. हम लोग को नहीं पसंद है पर उसको पसंद है. तो आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे वो क्यों वो नहा नहीं रही है बेटा, वो वहां पे जो ठंडा पानी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और इस वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से एक्वेटिक स्पीशीज या फिर फिशेज कोल्ड वाटर में बच्चों रहना प्रेफर करती है. ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहां से कंप्लीट. आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ. चलो अगला सवाल करते हैं बिना रुके. यार आप लोग सेशन को जल्दी से लाइक करो और मुझे चैट बॉक्स में यार आंसर्स भर भर के चाहिए. देखो यहां से आप लोग सीख रहे हो कि आप लोगों का अगर ये पेपर होता तो आप कितने नंबर लाते. आई वॉन्ट योर स्कोर्स इन द एंड ऑफ द सेशन और हर 10 क्वेश्चन के बाद मैं आपका स्कोर लेने वाली हूँ बच्चों. ठीक है, जल्दी से चैट बॉक्स में जिसको प्लस 5 मिला है, किसको प्लस 5 मिला है, यहाँ पे कितने बच्चों को प्लस 5 मिला है इस क्वेश्चन में, कितने बच्चों को फास्ट 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 कितने बच्चों को प्लस 5 मिला है, बोलो 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 यार. क्या ज्यादा मिठाई विठाई खा ली क्या आज आप लोगों ने, किस किस ने खाई है आज, क्या कौन कौन सी मिठाई खाई गई है बताइए. अच्छा बताओ आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है, 2-3 मिनट तो बात कर लेते हैं. कौन सी है भाई फेवरेट मिठाई रक्षाबंधन में, कौन सी मिठाई खाते हैं आप. अच्छा अपनी बहनों को कुछ गिफ्ट विफ्ट कराए या नहीं कराए, या बहनों से आप ही ने ले लिया कि भाई हमें ही दे दो तुम तो. और बहनों क्या आप लोगों को आज कितना इनकम मिला है, इनकम मिलती है ना आज हमारे को राइट. चलो यार मेरे मैं तो वैसे मीठा खाती ही नहीं हूँ तो मेरा तो मतलब ऐसा बोलोगे कि मैम लगता तो नहीं है पर हाँ नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है मीठा, बहुत कम मीठा खाते हैं. लाइक जैसा एक दो चीज़ अगर मैं बोलूँ तो एक तो वो काजू कतली वाली बर्फी होती है ना वो बढ़िया होती है क्योंकि उसमें तो मीठा कम होता है, और एक रसमलाई बस, दो कभी कभी गुलाब जामुन बस इतना, इससे ज्यादा कुछ मीठा पसंद ही नहीं है, है ना. बट रक्षाबंधन पे यार बहुत मीठा हो जाता है, कुछ नमकीन वमकीन भी गिफ्ट करा करें ना भाई लोगों को, बोलना चाहिए हमें, है ना. चलो कोई नहीं, बात है खत्म आई होप, है ना अरे चलता रहता है. चलो तो बीच बीच में ब्रेक दे रही हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रक्षाबंधन में ही चले जाएं. चलो सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन, उसमें आया था पॉजिटिव डेविएशन का. ठीक है, तो बताओ यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलोज रॉल्स लॉ व्हेन. रॉल्स लॉ अगर फॉलो कर रहा है आपका कॉम्पोनेंट ए और बी तो आपको बताना है वो कब फॉलो करेगा इंटरेक्शन के बेसिस पर. जल्दी से बता दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर्स, एवरीवन 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 व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर बच्चों, जल्दी से आंसर्स इन द चैट बॉक्स. बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर, बोलो 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 क्या हो जाएगा. सिंपल, देखो आप लोगों को मैंने 3-4 बातें याद करवाई हैं. पॉजिटिव डेविएशन है बच्चों तो ए बी इंटरेक्शन कम होगी ए ए बी बी से, याद रख लेना. नेगेटिव है तो ए बी इंटरेक्शन बड़ी होगी ए ए बी बी से. और अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी. सो जो ए बी इंटरेक्शन है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी या नहीं रहेंगी. जल्दी से फाइनल आंसर क्या निकल गया है हमारे यहां से, फाइनल आंसर बच्चों यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, जल्दी से सारे के सारे बच्चे बताएंगे. यस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी इंटरेक्शन आपकी सेम रहेंगी ए ए बी बी से, यानी कि इक्वल्स टू रहने वाली है. तो उसने रॉल्स लॉ फॉलो करते हुए सोल्यूशन की बात करी है, यानी कि आइडियल सोल्यूशन की बात करी है, और आइडियल सोल्यूशन की जो इंटरेक्शन होती है बच्चों क्या होती है, बराबर हो जाती है, एकदम बराबर होती है. चलो आगे बढ़ो अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल है आपका एक और न्यूमेरिकल, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल लगातार पूछे जा रहे हैं तो आप इसको सॉल्व करके बताओगे कितने बच्चे इसको करेक्ट कर पाते हैं. द राइजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज 0.1 डिग्री सेल्सियस. द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि केबी पूछा गया है उससे, तो बताइए केबी की वैल्यू यहां पे क्या निकल के आने वाली है. जल्दी से सभी के सभी सॉल्व करेंगे और बताएंगे केबी की वैल्यू यहां पर से आपकी क्या निकल के आने वाली है. बोलो 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 हाँ भाई क्या होगा फाइनल आंसर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा. टाइम अप टाइम अप टाइम अप, स्पीड में काम करना है बच्चों. डेल्टा टीबी क्या होता है,
ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1 है, सो के बी एम। डेल्टा टीबी कितना दिया है, 0.1 डिग्री सेल्सियस का आपका इंक्रीज आया है, के बी आपको नहीं पता है। मोलालिटी क्या है, गिवन मास, गिवन मास कितना है 1.8, सो 1.8 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास 180। किसमें डिजोल्व किया है इसने, किसमें डिजोल्व किया है, 100 ग्राम में किया है, तो 100 ग्राम है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ये आपका फॉर्मूला हो गया। जब इसको हमने मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर से आपकी एक जीरो और आ जाएगी, यहाँ पे लगाओ इस साइड, दो जीरो से दो जीरो कटी, एक जीरो से एक जीरो कटा, सो इट इज बेसिकली ये इससे कट गया, सो यू हैव 1/10 यानी कि 0.1, और KB की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, KB की वैल्यू आ जाएगी 0.1/0.1 यानी कि 1। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितनी नॉर्मल सी कैलकुलेशन है बच्चों, कितनी नॉर्मल सी आप लोग की कैलकुलेशन है। सो आई होप सभी लोगों को क्लियर है, ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ऑल राइट, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है, अगला सवाल नॉर्मल सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है, लगातार दो या तीन बार पेपर में आया है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा बस यहाँ पे ये याद रखो कि उसने फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा है। तो बताइए क्या यहाँ से करेक्ट आंसर निकल के आएगा, टाइमर आपका चालू हो चुका है, बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से सभी के सभी आंसर करेंगे अगले क्वेश्चंस में, मैं अब आपको टाइम कम देती जाऊंगी, हम लोग 20-20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, देखो अगर मैं बात कर रही हूं डेल्टा टीएफ की, सो डेल्टा टीएफ क्या होता है, आई के एफ एम, ठीक है। तो I डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर I, ठीक है बात। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो उसको ना यहाँ पे ये इसने यही ये गलत लिखा हुआ है कि उसको क्या पूछना है, पहले ये समझो डेल्टा टी एफ क्या होता है आप लोगों का, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है यानी कि कम हुआ है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, राइट। सो टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। उसने आपसे क्या पूछा है, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि ये सबसे कम किसका होगा, बेसिकली अगर इसको बड़ा करोगे, ये बड़ा तब आएगा जब ये बड़ा आएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा आप लोगों का, कुछ आपका ऐसा दिखेगा, राइट। अगर मेरे पास चार में से, मतलब अगर ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ लो अगर आपका ये बड़ा होगा तो आप लोगों की इसकी वैल्यू कम आएगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 माइनस x इक्वल्स टू 2 कर रही हूँ और 4 माइनस x इक्वल्स टू 4 कर रही हूँ, सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से जब ये जाएगा 2 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0। तो अगर आपको लोएस्ट बताना है तो लोएस्ट अगर आपको चाहिए तो आप लोग को I की वैल्यू मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, और I की वैल्यू मैक्सिमम किस में आएगी, आपकी Al2SO4 3 में आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर वो आपसे पूछता, देखो अगर तीन चीजें पूछी जा सकती हैं, अगर यहां से आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर आपसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो आपके आई के ये फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आएगी। देखो समझ रहे हो ना ये बात, जल्दी से बताओ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। अगर मैं टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ आपका आई के बराबर लिख रही हूँ, मतलब आई के डिपेंडेंट, आई पे डिपेंडेंट है, अगर आप इसको बढ़ाओगे, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो क्या ये चीज़ बढ़ेगी या कम होगी, यानी कि अगर 10 माइनस एक्स बराबर आप 4 रख रहे हो और 10 माइनस एक्स बराबर आप 6 रख रहे हो, तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से आएगी 14 और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 16। तो आपको आई की लोएस्ट वैल्यू चाहिए, और आई की लोएस्ट वैल्यू आप लोग की किसके लिए आएगी, जब आपकी आई की वैल्यू यहां पे मिनिमम निकल कर आ रही होगी। समझ रहे हो, बोलो समझ गए, बोलो बोलो बोलो। और अगर इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है, वो आपसे इतना मुश्किल पूछेगा ही नहीं, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीधा सीधा ये कि यार सबसे ज्यादा, लोएस्ट भी नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पे दो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डाल रखे हैं, आपसे पूछेगा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगा। अगर उसने आपसे ये पूछा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके आई के होगा और आई का मैक्सिमम वैल्यू इसमें होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं इसको इस चीज में कन्वर्ट कर देती हूँ, सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट निकल कर आएगा। समझ गए। तो अगर आप लोग, आपसे ये पूछेगा ही नहीं कि यार फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, अगर पूछेगा तो आपका आंसर आई के उल्टा होगा, मिनिमम जिसका आई होगा उसके सबसे ज्यादा आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, लेकिन अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछ रहा है तो जिसका आई मैक्सिमम होगा उसका सबसे ज्यादा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलो वैसे आपसे वो डायरेक्टली आई के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कैथोड और एनोड दे रखा है आपको, सेल बतानी है कौन सी होगी, आपका डायरेक्टली गैल्वेनिक सेल से,
मैंने हिंट दे दिया, इस सेल से आप लोग का केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला, बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। शॉर्ट में समरी बच्चों बोल रही हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, आई बड़ा होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, और अगर केवल फ्रीजिंग पॉइंट पूछे तो वो आपके आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जल्दी से, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों को दिख रहा है कौन सी सेल है, ये कौन सी सेल है बच्चों, ये आप लोगों की कौन सी सेल है, ये आप लोगों की बच्चों क्या है, सभी लोगों को आई गेस पता है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेनियल सेल। अच्छा आप बोलोगे मैम गैल्वेनिक सेल तो नहीं है, गैल्वेनिक सेल का उल्टा नाम, दूसरा नाम आपका क्या होता है, डेनियल सेल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ से बच्चों करेक्ट आंसर निकल के आएगा। चलो जल्दी से बताइए 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट करे हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, कितने क्वेश्चन 10 में से सही करे हैं, ऐसे ही पेपर सेम टॉपिक्स पे सेम क्वेश्चंस आपके उठ के आए हैं, तो 10 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट करे हैं, लेट मी सी कितने बच्चों ने 10 में से आपके 10 में से 10 स्कोर कराए या फिर 8 प्लस स्कोर कराए, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, जल्दी से सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे, कितना स्कोर आप लोगों ने अभी तक कर लिया है बच्चों, बोलो जल्दी से बोलो 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 फास्ट फास्ट इन द चैट बॉक्स, और जिसने भी एक बार सेशन को लाइक नहीं करा है बच्चों जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, राइट जल्दी से करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, गुड गुड गुड, ठीक है यार, मतलब देखो मेक श्योर करो, ये आपको लाइव में मॉक का एक्सपीरियंस दे रही हूँ, पेपर यही आया उठ के, अगर आप यहाँ पे 30 on 30 या 40 on 40 स्कोर कर रहे हो तो समझ जाओ आप वहां पे भी करके आने वाले हो, तो ये कॉन्फिडेंस देगा सेशन आपको, आज का और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, सो मेक श्योर करो और इस क्वेश्चन को नोट कर लो अगर जो गलत कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट रिपीट कर रहा है पेपर में बार बार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, थोड़ा टाइम कम देंगे अपने आपको हम लोग, ठीक है, ऑल राइट लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली ये डेफिनेशन 10,000 बार करवाइए और ये डेफिनेशन डायरेक्टली पेपर में उठ के आई है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल इज कॉल्ड, 1,000 बार बता चुकी हूँ और पेपर में आया फिर से क्वेश्चन, बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यस, ऑप्शन नंबर करें क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या है ये, टाइम और कम देना पड़ेगा, 30 सेकंड भी ज्यादा है अब हमारे लिए, क्या है सेल ईएमएफ, क्या बोल देते हैं, यस बच्चों इसको क्या बोल देते हैं, सेल ईएमएफ इसको हम लोग बोल देते हैं। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल देखते हैं क्या है, अगला सवाल कुछ इस तरीके से है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ से, अगर आपका सवाल है फॉर दिस रिलेशन डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, अगर ई सेल बराबर है ई नॉट सेल के इन द फॉलोइंग कंडीशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होने वाला है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा For the relation delta G equals to minus NFE cell concentration of the all reactant species should be unity. हाँ भाई बच्चों ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, ठीक है एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम से आप लोगों का केस स्टडी आया था, ठीक है तो आपको याद रखना है अगर आपको ये दोनों चीजें बराबर रखनी है तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीशीज यूनिटी लेनी पड़ेगी, इसको याद कर लो कहीं पे लिख लो, ये जो क्वेश्चन अभी आपका डेल्टा जी नॉट से एक क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन भी दोबारा से पेपर में आ सकता है, तो अगर ये कंडीशन पूछी जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी जब आपकी सारी रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यूनिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है अगला सवाल, यहां से तो भर भर के क्वेश्चन आए, बताइए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, शायद ये सेम क्वेश्चन हमारा कल पेपर में आया है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें भी अमोनिया का ही रिलेशनशिप पूछा था, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से सभी के सभी आंसर करेंगे, क्या मेरा यहां से करेक्ट आंसर बच्चों निकल कर आ जाएगा, बोलो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, भाई देखो सिंपल सरल सी कहानी है, आपको 1,000 बार मैंने बताया रेट लिखना है तो लिखो इसका रेट क्या होगा, माइनस डी एन टू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी एच टू बाई डी टी और इसके आगे 1/3 क्योंकि आपके आगे यहाँ पे 3 है और इक्वल्स टू क्या 1/2 डी एन एच 3 बाई डी टी,
उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन NH3। सो NH3 की बात करें तो DNH3 by DT यहां से क्या निकल के आ जाएगा, बराबर किसके आएगा, उधर जाएगा 2 by 3 DH2 by DT। ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा और इसके आगे है माइनस का सिंबल। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस 2 by 3 DH2 by DT। यस, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां से करेक्ट निकल कर आ जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां से करेक्ट निकल कर आ जाएगा। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट कितने बच्चों ने करेक्ट करा है, जल्दी से कितने बच्चों ने इसको करेक्ट करा है, चैट बॉक्स में कितने बच्चों ने इसको करेक्ट आंसर करा है, बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़े। चलो ठीक है, लेट अस मूव अहेड। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आपका फिर से मैंने यहां से डाला है क्योंकि यहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आपका आया है फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो आपको यहां पे एक रिलेशनशिप दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शन रेट। इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपके रेट को एक्सप्रेस नहीं करता है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा बोलो, क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। यस, फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर, भाई देख लो इसको भी सिंपल सा है, सबको लिख दो, माइनस वन बाय टू डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू वन बाय थ्री डी सी बाई डी टी और इक्वल्स टू डी डी बाई डी टी। अब कौन सा नहीं है जरा देख लो, माइनस डी बी बाई डी टी है, डी डी बाई डी टी है, माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी है, माइनस वन बाई थ्री नहीं है, इसके आगे प्लस का सिंबल आएगा। सो क्या हो जाएगा, यस ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, कितना सिंपल टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझ रहे हो, प्रैक्टिस करते जाओ, जितनी करवाती जा रही हूं क्वेश्चन आएंगे, फंसेंगे यहीं से फंसेंगे, ठीक है बच्चों। और हमारे को स्कोर को मैक्सिमम रखना है, मैक्सिमम स्कोर रखोगे हमेशा आगे रहोगे, और आगे रहना मैं आपको सिखा रही हूं और आगे आप लोग को रहना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे क्या है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से आ रहा है मजा या नहीं आ रहा है क्वेश्चंस में। अब तो लग रहा होगा मैम बच्चों जैसा पेपर है हलवा, हम लोग तो मैम इसको ऐसे ही निकाल के आ जाएंगे, तो ऐसे ही लगना चाहिए, इसीलिए तो बता रही हूँ कि आप लोग डरो मत, डर के आगे जीत है, और जीत हमारे साथ है तो होगी जीत हमारी, है ना बच्चों। चलो बढ़ो आगे, चलो सेम क्वेश्चन एक और आपका पेपर में आया है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो। यूनिट से बड़े क्वेश्चन आए आज, पता नहीं आजकल यूनिट से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट कौन सी होगी फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सवाल अगला आपके स्क्रीन पे प्रकट हो चुका है, बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बताइए 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 जल्दी से सारे के सारे बच्चे, क्या करना है। यहां से दो बार क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन जीरो ऑर्डर से, दूसरा सेकेंड ऑर्डर से, यूनिट का खेल है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, What is going to be your correct answer? Bolo, bolo, bolo. Chocolates and ice creams and sweets. Aaj to sab khai gayi hai, hai na bachcho? Aaj to gifts ki bharmar hai hamare paas, hai? Yaar, mera to raksha bandhan aapne banane nahi diya, hai? Ki ma'am class le lo. Chalo koi nahi, ghar pe jaake dekhte hain. Kuch agar hamare liye mithaiyan bachti hain, to hum bhi khaa lenge, hai na? Chalo batao, kya hoga correct answer yahan pe? भाई आप लोगों को जीरो ऑर्डर, अब आपको रेट कांस्टेंट की ट्रिक मैंने बताई है, लीटर की पावर में जो भी है उसमें वन ऐड कर दो। अच्छा देखेंगे, लीटर की पावर क्या है, माइनस वन है, वन ऐड कर दो, यार ये तो पहले ही ऑप्शन आ गया, जीरो आ गया। अगर यहाँ पे वन ऐड कर दो तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर आ गया, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर आ गया, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आ गया, करेक्ट ऑप्शन क्या है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, क्या सवाल यार, क्या ही सवाल पूछा है यार, मतलब ऐवे ही जैसे डरा रखा है बच्चों को, डरना नहीं है, मतलब मेरे साथ पढ़ रहे हो तो डरना है ही नहीं, क्योंकि आप लोग को सब करवा के भेज रही हूं मैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, आंख बंद करके भरोसा करो और क्वेश्चंस के लगाते जाओ जो जो करवा रही हूँ, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो ग्राफ का क्वेश्चन देखेंगे एक। अगला ग्राफ का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, अरे यार इन्होंने हेनरीज लॉ क्यों लिखा हुआ है, हेनरीज लॉ नहीं है ये आपकी अरहेनियस लॉ है, ठीक है, अरहेनियस लॉ का ग्राफ है, बताइए अरहेनियस लॉ का करेक्ट ग्राफ कौन सा होने वाला है, बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, बोलो 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 बोलो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हाँ भाई समय की घंटी बज चुकी है, क्या है करेक्ट ग्राफ अरहेनियस इक्वेशन का,
हाँ भाई, अब आप कहोगे मैम लॉग वाला ग्राफ होना चाहिए था, ठीक है। लॉग के बराबर क्या होता है? लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो यहां से लॉग के वर्सेस टी का ग्राफ बनेगा ऐसा, तो ये तो कटेगा, ठीक है, ये कटेगा। मैम कहोगे मैम ये तो ग्राफ होगा, पर मैं कहूंगी बेटा ये देखो क्या है, ये टाइम के साथ दिया है, वन बाय टाइम के साथ नहीं दिया है, तो ये ग्राफ नहीं होगा। तो यानी कि के वर्सेस टी का ग्राफ है और ये ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल। सो करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए क्या रहा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा आपका करेक्ट आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? अब देखो, अब तो बड़े बड़े क्वेश्चन बस खत्म होने वाले हैं, मेटलर्जी पे आने वाले हम लोग। सो मेटलर्जी का क्वेश्चन से पहले आपका काइनेटिक्स के थोड़े और न्यूमेरिकल्स है, तो बताइए ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अगर हाफ लाइफ 5 साल है तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 15 इयर्स, जब इनिशियल अमाउंट आपका 64 ग्राम्स था। बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चंस आए हैं यहां से आपके, बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? सेम टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं, तो बताइए क्या होगा करेक्ट ऑप्शन यहां पे? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? इसे मेंशन नहीं करा कि फर्स्ट ऑर्डर है, आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो भाई अगर मैं नॉर्मल हाफ लाइफ की बात कर रही हूँ, तो आपको पता है लॉग ए नॉट अपॉन, इसे मेंशन नहीं किया बट आप मान लो, इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303 है, ठीक है। आपसे पूछा है कि देन द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, यानी कि लॉग ए पूछा है, ए नॉट कितना है, इनिशियल अमाउंट 64 है, लॉग ए आपको बताना है, के कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन 5, टाइम आपको बताना है 15 साल के बाद और अपॉन 2.303, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए और आप लोगों को यहाँ से लॉग ए की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे लॉग 64 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4, 4 की पावर समथिंग करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 इज राइट 24, 64 है ना। तो 4 की पावर 3 कर दोगे तो 3 log 4 यहां से सॉल्व कर लेना, माइनस log a इक्वल्स टू, यहां से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक सर्टेन वैल्यू आएगी और उसमें से आप log a को माइनस कर दोगे, वहां पे आपको log की वैसे बच्चों वैल्यूज दी जाएंगी। सो बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा यहां से निकलकर? फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से आप लोग का करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा। तो हालांकि आप लोग को चिंता नहीं करना है, लॉग की वैल्यूज आपको पेपर में दी जाएंगे और अभी तक कोई लॉग का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अ रिएक्शन प्रोसीड्स बाय फर्स्ट ऑर्डर, 75% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है 32 मिनट्स में, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? जल्दी से बच्चों, अरे करेक्ट आंसर क्या होगा यहां से हमारा? हाँ भाई, तो अगर इसकी बात करी जाए, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो 100 लिया था तो 25 बचा है, ठीक है। तो यानी कि लॉग 4 बराबर क्या है, के टी अपॉन 2.303, के टी वॉज कंप्लीट इन 32 मिनट्स अपॉन 2.303, ठीक है। ये आपका के आ जाएगा, सो के इज लॉग 4 इंटू 32 अपॉन 2.303, और यहां से आपको के पता चल गया, तो आपको हाफ लाइफ बतानी है, तो हाफ लाइफ क्या हो जाती है, 0.693 अपॉन के, तो 0.693 अपॉन के अगर मुझे करना है तो यहां से क्या हो जाएगा, 2.303 ऊपर, मतलब ये जब इसको डिवाइड करोगे तो इंटू 2.303, और नीचे आ जाएगा लॉग लॉग 4 इंटू 32, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से आप लोग की हाफ लाइफ निकल कर आ जाएगी। बताइए कितनी हाफ लाइफ आ रही है, इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, लॉग 4 की वैल्यू भी आप लोगों को वहां पे पेपर में दे दी जाएगी। सो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऑप्शन आपका करेक्ट निकल के आएगा 17 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, समझ गए। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, सरफेस केमिस्ट्री की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। सो सरफेस केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उल्टा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुको। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आपको फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट गलत है, फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ बताना है। बताइए क्या ग्राफ निकल के आएगा फॉर फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या ग्राफ निकल के आएगा बच्चों? जल्दी से सभी के सभी आंसर करेंगे, क्या ग्राफ आपका निकल के आएगा फ्रेडलिक से? अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर आएगा? बोलो बोलो बोलो,
हाँ भाई, क्या आता है ग्राफ? अगर log x by m का ग्राफ बन रहा है, so you know log x by m बराबर क्या होता है, log a plus 1 by n log p. तो y equals to, अगर मैं c plus mx करूं तो मेरा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. सो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर c मेरा यहां से करेक्ट आंसर निकल जाएगा. तो log x by m versus log p का ग्राफ आपका कुछ ऐसा निकल के आएगा, जहां पे स्लोप की वैल्यू आपको क्या दे रहा होगा, 1 by n. क्या दे रहा होगा, 1 by n आपको स्लोप की वैल्यू दे रहा होगा. चलो आगे बढ़ते हैं 20वें सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा 20वां सवाल क्या है. बहुत सिंपल है, बट ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है आप लोगों के. फिजिक्स ऑप्शन ऑफ गैसेस स्पीशीज मे बी चेंज टू केमिकल्स ऑप्शन बाय. तो मैंने बोला आप लोगों को स्कोर समझ में आ रहा है, अगर 30 में से 30 ला रहे हो, 40 में से 40 ला रहे हो, तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, वहां पे भी लेकर आओगे. ठीक है, तो बताओ सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए. गलत किया तो मतलब पाप लगेगा इस क्वेश्चन को गलत करने पे. बताइए क्या होगा अगर मेरे को कन्वर्ट करना है, तो क्या कंडीशन डालनी पड़ेगी हम लोग को, बोलो क्या कंडीशन डालनी होगी, बताइए. क्या होगा Yes. So, सभी लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, टेम्परेचर को अगर आपने बढ़ा दिया, तो आपका जो फिजिक्स ऑप्शन है वो बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केमीज ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. अरे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से बता दो 20 में से कितने करेक्ट है. सभी के सभी जल्दी से बता देंगे आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन करेक्ट करें. 20/20 ही स्कोर चाहिए मुझे. अगर कम चल रहा है तो आपको समझना है कहां पे गलती कर रहे हो, उस पे काम करना है. और कल जो मैं आगे के चैप्टर्स करवाऊंगी उसमें पहले ही पढ़ के आना है, ताकि आप लोग उसमें बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सके. राइट, जल्दी से पूछेंगे कितना स्कोर है, जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में आंसर्स, कितना स्कोर चल रहा है आउट ऑफ 20. और जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे जिसने लाइक नहीं करा है. राइट, फास्ट. चलिए लास्ट के 10 क्वेश्चंस करेंगे रैपिड फायर. ये आपका होने वाला है रैपिड फायर, इसलिए है क्योंकि आप लोगों का आखिरी चैप्टर्स हमारा जो है इस आज के सेशन के लिए वो है सरफेस और मेटलर्जी, जो कि आप लोग बहुत आराम से बहुत अच्छा कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने अगले सेट ऑफ क्वेश्चन के लिए. चलो बढ़ते हैं. Which of the following statement is not correct? बताइए which of the following, ये क्वेश्चन आया है फिजिक्स ऑप्शन के बारे में, स्टेटमेंट पूछी थी और पूछा था कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट यहाँ पे होने वाली है. बोलो कौन सी होने वाली है. हाँ भाई, कौन सी होगी. बोलो जल्दी से यार बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, करवा चुकी हूँ फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट्री ऑप्शन, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, पक्का स्टेटमेंट आती है वहां से. राइट, क्या होगा, इनकरेक्ट. फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल ट्रू है. एब्जॉर्प्शन एनर्जी ऑफ अ केमिकल एब्जॉर्प्शन इज जनरली ग्रेटर, बिल्कुल ट्रू है. और लास्ट जो फॉल्स है वो है ये कि भाई केमीज ऑप्शन पहले हमेशा इंक्रीज करता है, जो उसका ग्राफ है वो ऐसा बन के आता है फॉर केमीज ऑप्शन. सो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी. क्या हो जाएगी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपके यहां से इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकल कर आ जाएगी. क्या हो गया इसको. हाँ भाई ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. अगला सवाल देखेंगे क्या है. अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस. जल्दी से बता दो क्या होगा करेक्ट आंसर. सभी के सभी आंसर करेंगे. व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. क्या होगा, ऑप्शन नंबर, जल्दी से यस क्या होगा, ऑप्शन नंबर. तो भाई अगर मैं बात कर रही हूँ ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एलिमिनेशन, देखो एंथैल्पी और एंट्रोपी आपका नेगेटिव है, ट्रू है. एड्सॉर्प्शन इज मोर फॉर स्पेसिफिक सब्सटेंस, ट्रू है. आपका जो एड्सॉर्प्शन फिनोमेना है वो रिवर्सिबल है, ट्रू है. लेकिन आपका ये वाली जो बात है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ता है, एक बार इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए. राइट, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन. देखो जब भी डाउट हो ना तो पहले जो ऑप्शन हटा सकते हो उसको हटा दो,
फिर बचे हुए ऑप्शंस में से चुन लेना, यहाँ से आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका आंसर करेक्ट भी निकल कर आएगा। चलो आगे बढ़ो अगले सवाल की तरफ। अब हम लोग मेटलर्जी के बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आए हैं, क्योंकि और से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जितने भी क्वेश्चंस और के मैं यहाँ पे करवाने जा रही हूँ, ध्यान से मार्क कर लेना इनको, क्योंकि सेम क्वेश्चंस फिर से पेपर में रिपीट होने के चांसेस है, क्योंकि और आपकी लिमिटेड है। घुमा फिरा के आपको बिल्कुल और का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। बताओ पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ, हेमेटाइट किसकी ओर होती है जल्दी से बता दो, हेमेटाइट किसकी ओर होती है? सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी, जल्दी से बच्चों आंसर। सेम क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को ओर्स याद रखना, फ्री के 5 नंबर मिलने वाले हैं यहाँ पे आपको। सो हेमेटाइट याद रखो किसकी ओर होगी, टाइम कम मिला जाएगा इस पेपर में, इन क्वेश्चन में किसकी होगी, आयरन की, याद रखना है किसकी ओर होगी, बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोग आयरन की ओर को हेमेटाइट बोल दिया जाता है, ठीक है बच्चों आगे बढ़ो। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर, टाइम यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग। ऑलराइट, मेलेकाइट, मेलेकाइट इज एन ओर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेकाइट, मेलेकाइट इज एन ओर ऑफ, बोलो बोलो बोलो, मेलेकाइट किसकी ओर है? मेलेकाइट इज एन ओर ऑफ, हाँ भाई बच्चों किसकी होती है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, किसकी होती है याद रखना है, कॉपर की होती है याद रखना। मेलेकाइट किसकी होगी? कॉपर की। हेमेटाइट किसकी है? आयरन की। मेलेकाइट किसकी है? कॉपर की। चलो अगला सवाल देखेंगे क्या है, अगला सवाल कुछ इस तरीके से, कैसेट्राइट, कैसेट्राइट इज एन ओर ऑफ, जल्दी से बता दो, कैसेट्राइट इज एन ओर ऑफ, जल्दी से करेक्ट आंसर्स, कैसेट्राइट, कैसेट्राइट इज एन ओर ऑफ, हाँ भाई किसकी ओर होती है? सभी लोग याद रखेंगे जो ये बैल की घंटी बज रही है ना, टन 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 टन, वैसी, किसका? टन टन मतलब टिन, है ना, और टिन को दिखता लिखते कैसे हैं, टिन को एस एन से, याद रखना है कैसेट्राइट किसकी होगी? टन की, और टन क्या होता है? टिन, और टिन को कैसे लिखते हैं? एस एन से, ठीक है याद रखोगे। प्लस फाइव कितनों को मिला है इसमें, कितनों को प्लस फाइव मिला? ये और याद रखनी है, नहीं याद रखोगे तो फिर पछताओगे, जितनी करवा रही हूँ याद करके जाना, प्लस फाइव फ्री के नंबर आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस और से भर भर के पेपर में आए हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। चलो गेलेना, ये तो शायद सबको याद होगा, ये मैंने करवाया भी है, गेलेना इज द ओर ऑफ, गेलेना किसकी ओर है बताइए, गेलेना किसकी ओर है, किसकी ओर है, किसकी ओर है, जल्दी से, गेलेना किसकी ओर है? ऑप्शन नंबर, वेरी सिंपल यार, बहुत सिंपल है, यस बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोग किसकी है? लेड की है, किसकी है? लेड की ओर होती है, पीबी यानी कि लेड, पीबी यानी कि लेड की आपकी ओर होती है। चलो लास्ट के 3 क्वेश्चंस आज के लिए, जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बताइए। यहां से भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब मेटलर्जी से यही क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज बेस्ट कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, हाँ भाई क्या है करेक्ट आंसर? यस बच्चों, क्या होगा? हाँ भाई क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, जल्दी से यार, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, यस। सो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गेलेना की जो ओर है उसको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से आप लोग कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे क्या है, अगला सवाल, प्रोसेस फॉलोड बिफोर रिडक्शन ऑफ कार्बन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से क्वेश्चन आया था, तो बताइए प्रोसेस फॉलोड बिफोर रिडक्शन ऑफ कार्बोनेट ओर इज, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर,
कार्बोनेट से रिलेटेड समझ लो ना, कार्बोनेट से क्या होगा, कार्बोनेट से रिलेटेड क्या होगा, कार्बोनेट से रिलेटेड हो जाएगा कैल्सिनेशन, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कैल्सिनेशन आपका करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। चलो जल्दी से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल विच ऑफ द, अरे यार पी ब्लॉक के थोड़े क्वेश्चन डल गए हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, बताइए सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, जल्दी से सभी के सभी आंसर करेंगे, किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा, जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर भाई, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट उसका होगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, राइट। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज्यादा खींचेगा, यानी कि एच से, एच से, एच से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और आप डाउन द ग्रुप आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, एनएच थ्री की होगी। करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको हाइड्राइड्स का ट्रेंड से बहुत अच्छे से पढ़ के जाने, ट्रेंड से क्वेश्चन पी ब्लॉक से आया है, तो पी ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम लोग लास्ट सवाल करेंगे और कल फिर से हम लोग पी ब्लॉक से ही स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से एक बार जितने भी बच्चे सेशन को शेयर कर दो, शेयर क्या करो, लाइक करो पहले, और जितने भी बच्चे मेरे को बोलो कि आप लोग रेडी हो लास्ट क्वेश्चन के लिए और फिर हम लोग आपके फाइनल स्कोर्स लेंगे। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा लाइक करेगा, और यहां पर मैं आपका लास्ट सवाल आज के लिए करवाने जा रही हूं। सो लेट अस सी व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, राइट। सो ये आपका ऑर्डर, आपको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अपनी हाइड्राइड्स को लगा देना होगा। ऑर्डर बहुत बार पूछा गया है पेपर में, सो सेम क्वेश्चन ऐसा पेपर में आया है, तो बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में आप लोगों को इनको लगाना है, बताइए क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर, बोलो बोलो बोलो। तो आप सभी लोगों बच्चों को पता है कि डाउन द ग्रुप आपकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, बेसिकली डाउन द ग्रुप आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। तो सबसे ज्यादा ऊपर वाले की बेसिक स्ट्रेंथ होगी, तो सबसे ज्यादा बच्चों किसकी होगी, एनएच थ्री, पीएच थ्री, एएच थ्री और एसपीएच थ्री। करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ से सीधा सीधा सवाल सही हो जाएगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ योर 30 क्वेश्चन, इसके आगे के चैप्टर्स हम लोग कल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग उनके भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ पहले हम कर रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर में आए, तो ऐसा क्वेश्चन सेम पेपर में आए हैं ये सारे जितने भी मैंने आपको करवाए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर डालोगे ताकि हम लोग पता कर सके कि अगर आप पेपर दे रहे होते तो आप कितना स्कोर करते और कहां आपने गलतियां करी, ये भी आप डालोगे ताकि उस पे बेस पे हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को और ज्यादा बढ़ा सके, ठीक है। तो बस जो जो क्वेश्चंस करवा रही हूं उनको करते जाओ, जो इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं उनको फॉलो करते जाओ, आप लोग भी आराम से 40 on 40 स्कोर करके आओगे। एंड आई नो कि अगर जितनी बातें मैंने आपको लोग बोली है आप लोग उनको कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आप लोग बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि जितने भी बच्चे हम लोग हमारे अभी तक जुड़े थे केमिस्ट्री में वो सब ये सब कुछ करके आए हैं। सो अब आपकी बारी है, लगातार पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूं और हम सब आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दो एक बार, और सेशन पसंद आया तो जरूर कमेंट करके जाना और अपने स्कोर्स को जरूर कमेंट करके चले जाइएगा बच्चों, ठीक है। सो दिस इज द एंड फॉर टुडेज सेशन, एंड लास्ट में अगेन विशिंग यू ऑल रक्षाबंधन। अगर आप लोगों को रिवीजन बैच ज्वाइन करना है तो आज का दिन उसके लिए एकदम करेक्ट है, उसमें सेल चल रही है। अगर आप वाईफाई 13 कोड यूज करते हो बच्चों तो आप लोग बहुत ही लो में अंडर मतलब अराउंड 400 में आपको ये बैच मिल जाता है, ठीक है। सो विद दैट लेट मी एंड टुडे सेशन, कल दोबारा से मिलूंगी इसके आगे के चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर में उनके साथ। जल्दी से आप लोग जाइए पढ़ाई कीजिए, और कल ये जो सारे चैप्टर्स मैंने पार्ट टू के लिए बोला रिवाइज करके आइए, और कल हम इन चैप्टर्स को फिर से एक बार शुरू करेंगे आप सभी लोगों के साथ। सो विद दैट गुड लक बच्चों, पढ़ाई करो, खुश रहो, और मिलते हैं दोबारा से कल के सेशन में। बाय बाय।